psycho in my head. And now, WWE presents Elimination Chamber. तो कैसे हैं आप सब, फिर से आपका स्वागत है अतरंगे टॉक्सिक माइंड में। आज ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस का मैच होने वाला है, तो आ गए हमारे द मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन। आज मैच बहुत ही दमदार होने वाला है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और इन दोनों का मतलब राइवलरी भी बहुत ही खतरनाक रह चुका है। एम्बुलेंस मैच, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, ये सब हो चुके हैं। आज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, तो ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं छोड़ने वाले हैं इस मैच में। ब्रॉन स्ट्रोमन का इस राइवलरी में बहुत ही बड़ा मतलब अपर हैंड रहा है, और मतलब रोमन रेंस इसको बिल्कुल मौका नहीं देते। लेकिन ये आ चुके हैं हमारे ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। अराउंड 900 डेज हो चुके उनके, आज तक उन्हें कोई बीट नहीं कर पाया। 900 डेज से वो अनपिनेबल है। अभी क्या कौन उनका स्ट्रीक को तोड़ेगा, यही देखने वाली बात होगी इस मैच में। अगर ब्रॉन स्ट्रोमन का लक रहा और ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना 100% दिया, तो ये मैच रोमन रेंस के लिए आसान नहीं होने वाला है। ये मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की हिस्ट्री बहुत ही खतरनाक रही है। पिछले मैचेस में ब्रॉन स्ट्रोमन एकदम पूरा रोमन रेंस को कुचल के रख चुके थे, और पे बैक में तो हालत ही ख़राब हो चुका था। रोमन रेंस का शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और उनका ब्लीडिंग हो रही थी। और एम्बुलेंस मैच में फिर रोमन रेंस ने अपना बदला निकाला, काफ़ी खतरनाक मैच था। ये दोनों रेसलर में एक दूसरे का खून निकाल चुके हैं पूरे मतलब राइवलरी में। तो मैच ये लास्ट पीक पे है, और यहाँ पे तो एक प्राइज भी है जिसके लिए उन लोगों को फाइट करना है, तो दोनों छोड़ने वाले नहीं है इस, देखिए, इस प्रीशियस टाइटल के लिए, जो WWE में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रीशियस टाइटल है, वर्ल्ड हैवीवेट यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, जो इसके हर एक लेसर चाहता है कि एक दिन उस चैम्पियनशिप के लिए कम्प्लीट करे और जीते। बट आज ये ब्रॉन स्ट्रोमन को मौका मिला है कि रोमन रेंस से वो ले सके, जीत सके। ये मैच स्टार्ट होते हुए रेफरी का बेल का इशारा किया। बहुत ही मुश्किल मैच रहेगा ये, बहुत ही मुश्किल, देख रहे हो। और दोनों का एटीट्यूड अलग ही लेवल पे जा रहा है। अब ये मैच एकदम मतलब स्लो पेस पे स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर समझने की कोशिश। ये ब्रॉन स्ट्रोमन ने कॉर्नर में ला के रोमन रेंस को लिया, और एक एल्बो टैकल देते हुए, शोल्डर टैकल देते हुए, और ये ब्रॉन स्ट्रोमन शोल्डर वापस एक और शोल्डर टैकल देते हुए ये मैच पूरा अपना लेना चाहते हैं। ये हेड थ्रो देते हुए रोमन रेंस को पूरा कंट्रोल करते हुए इस मैच पे स्टार्टिंग से ब्रॉन स्ट्रोमन अपने पावर का प्रदर्शन करते हुए, ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे रोमन रेंस को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते स्टार्टिंग में ही। ये देखिए, और एक ओ माय गॉड, एक पंच आते हुए रोमन रेंस के चेस्ट के ऊपर पूरा। ये इम्पैक्ट मैच में मतलब कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने आते ही अपना दबदबा दिखा दिया। ये देखिए किस फोर्स से उन्होंने शोल्डर कॉर्नर में टैकल किया, और ये दो बार शोल्डर टैकल और एक हेड थ्रो दिया, जिससे रोमन रेंस को संभलने का मौका नहीं दिया, और एक बहुत ही दमदार पंच आया उनके चेस्ट के ऊपर पूरा। ये मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन ने पूरा कंट्रोल ले लिया, और ये देखिए रोमन रेंस को मैन हैंडल करते हुए पूरा ये अपना दबदबा दिखा रहे ब्रॉन स्ट्रोमन। रोमन रेंस को बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा स्टार्टिंग से, उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या कैसे हो गया इतना फास्ट। ब्रॉन स्ट्रोमन इतना हैवीवेट होते हुए उनकी फुर्ती का जवाब देना, मतलब कि क्या बोल सकते हैं। रोमन रेंस यहाँ कम बैक करने की कोशिश करते हुए पंचेस पे, देखते कम बैक होता है। ये समोन ड्रॉप ले जा रहे, बट ये काफ़ी नहीं हुआ, लगता है उनकी एनर्जी लॉस हो गई। और ये क्या, ब्रॉन स्ट्रोमन ने समोन ड्रॉप दे दिया, ओ माय गॉड। यहाँ पे कवर, 1-2 और एक किक आउट। ब्रॉन स्ट्रोमन ने रोमन रेंस का मूवी उनको ही दे दिया, उनको पूरा संभलने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी ब्रॉन स्ट्रोमन सोच रहे कि अभी इतना काफ़ी नहीं होगा, उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ये देखिए रोमन रेंस कैसे हुआ, लेकिन उनका एल्बो पे ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं ब्रॉन स्ट्रोमन चेस्ट के ऊपर, इसकी वजह से प्रेशर नहीं आया, और ब्रॉन स्ट्रोमन ने उनको रिवर्सल में उनको ही समोन ड्रॉप दे दिया। ये मैच स्टार्टिंग से ही एकदम ब्रॉन स्ट्रोमन डोमिनेट करते हुए इस मैच में, और ज़्यादातर इन दोनों के मैचेस में यही होता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन ही डोमिनेट करते हैं, और रोमन रेंस का हिस्ट्री इसमें बहुत ख़राब रहा है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन वापस से अपना एल्बो में लेते हुए रोमन रेंस को, ये दोनों का हिस्ट्री भी देखते हैं कि आज कौन बाजी मारता है, कौन चैम्पियनशिप को रिटेन कर, या रोमन रेंस रिटेन करते हैं या वापस से रोमन रेंस अपने पावर में आते हुए देखते हैं।
क्या वो एल्बो निकल पाते, ये पंच दे रहे ब्रॉन स्ट्रोमन के पेट के, लेकिन अभी पंचेस की बौछार हो रही है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। रोमन इस कम बैक करना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी होगा। ये ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर एक और एल्बो दे दिए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन के इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। एक दूसरे के लिए आ रहे थे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने पकड़ा और एक क्या फ्रंट बॉडी ड्रॉप देते हुए, ओ माय गॉड। और ये ब्रॉन स्ट्रोमन कवर करते हैं, 1-2 और एक किक आउट। ओ माय गॉड, मुझे लगा कि यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन के हाथ में पूरा मैच आते हुए, पर रोमन रेंज एकदम लास्ट मोमेंट में किक आउट करते हुए। ये देखिए कैसे शोल्डर टैकल देने गए, बट ब्रॉन स्ट्रोमन मतलब फ्रंट बॉडी ड्रॉप देते हुए रोमन रेंज को। ये मैच अभी पूरा ब्रॉन स्ट्रोमन हैंडल करते हुए, उनका डोमिनेंस उस मैच में दिख ही रहा है। पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है रोमन रेंज के साथ में, ये पंचेज की बौछार करते हुए। मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर से जीत पाएंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन से यहाँ पे जितना लग नामुमकिन लग रहा है रोमन रेंज को अभी। अब यहाँ तो ब्रॉन स्ट्रोमन लग रहा है कुछ बड़े मूव्स के लिए जाने वाले। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, इस वजह से इसमें सारे चीज़ लीगल होंगे। देखिए देखिए आप देख सकते हैं जैसे चेयर अभी उठा दिए ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ चेयर लेके आते हुए। अब अगर चेयर शॉट पड़ा रोमन रेंज के ऊपर तो उनकी हालत और ख़राब हो गई। ये चेयर शॉट मारे लेकिन रोमन रेंज निकल चुके यहाँ से। रोमन रेंज को पता था कि ये आने वाला है, वो पहले ही सावधान हो चुके थे और निकल चुके, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन फ्रस्ट्रेट हो चुके उनसे पूरा। और ये ब्रॉन स्ट्रोमन ने पकड़ा, बट एक क्या नेक को रोप के सहारे रोमन रेंज ने टैकल किया और यहाँ पे चेयर उठाते हुए रोमन रेंज। अब लगता है कि ये चेयर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये क्या चेयर शॉट देते हुए रोमन रेंज ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, चेयर शॉट आया ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। यहाँ से ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत ख़राब, यहाँ से लगता है 1-2, ओ माय गॉड। यहाँ से लगता है रोमन रेंज अपना कमबैक कर चुके हैं इस मैच में, और भी एकदम खतरनाक वाला कमबैक। चेयर शॉट्स पे चेयर शॉट आया ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। ये देखिए चेयर शॉट मारने गए ब्रॉन स्ट्रोमन, बट रोमन रेंज जान चुके थे कि आने वाला है चेयर शॉट, इसलिए वो निकल लिए। लेकिन बाद में वो जैसे ही देखे ब्रॉन स्ट्रोमन आया, रोप का सहारा लिया और एक बहुत ही खतरनाक देते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन को, और उसके बाद चेयर शॉट पे चेयर शॉट आया ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए। यहाँ से ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत ख़राब हुई। इस मैच में अभी दोनों बराबरी पे पहुँच चुके हैं, दोनों की एनर्जी डाउन हो चुकी है, दोनों का एनर्जी लेवल अभी डाउन चल रहा है। अब यहाँ पे रोमन रेंज इस मैच में अपना कंट्रोल लेते हुए देखते हैं। और रोमन रेंज ने ब्रॉन स्ट्रोमन पे घुमाए, कॉर्नर में फेंका और गए कॉर्नर में। रोमन रेंज अब यहाँ पे 10 शॉट्स के लिए जा रहे हैं, 10 क्लोज लाइन शॉट्स के लिए। और 5-4-3-2-1 और एक क्या 10 क्लोज लाइन शॉट्स आया, रेफरी छोड़ाया काउंट करने के लिए। और ये बिग क्लोज लाइन, बट यहाँ से ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये ब्रॉन स्ट्रोमन ने फिर से रोमन रेंज को पकड़ा और ये चॉक स्लैम देते हुए। चॉक से नहीं लगता कि रोमन रेंज कमबैक कर सकते हैं। 2 और एक किक आउट, वापस से रोमन रेंज किक आउट करते हुए। ब्रॉन स्ट्रोमन रोमन रेंज को पूरा कंट्रोल लेने ही नहीं दे रहे। जैसे रोमन रेंज देखिए कंट्रोल लेने की कोशिश किया इस मैच के ऊपर, ब्रॉन स्ट्रोमन को कॉर्नर में लेके गया, उन्हें 10 शॉट्स दिए क्लोज लाइन के। फिर एक बिग क्लोज लाइन आने वाला था, तब तक ब्रॉन स्ट्रोमन को पता था, उन्होंने एनर्जी लिया और एक चॉक स्लैम दिया, बहुत ही खतरनाक चॉक स्लैम। जब भी रोमन रेंज कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन उस कमबैक को मतलब हटा दे रहे, उस कमबैक को करने ही नहीं दे रहे। और ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड रेफरी के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि दो काउंट पे इतना जल्दी जल्दी काउंट करो, वो भी इस मैच को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, इस मैच को बढ़ाने नहीं चाहते हैं। अभी रोमन रेंज के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन, और एक और कॉर्नर स्लैम देते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन इसमें रुकना नहीं चाहते, पूरा एक और कॉर्नर में लेके जाते हुए। और ये भी अपना सिग्नेचर मूव, एक सुपर पंच देते हुए एल्बो चेस्ट के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन रोमन रेंज के। ये जो 200 पाउंड जो है उनका, उतना वेट उन रोमन रेंज को सहना पड़ रहा है। ये मैच बहुत ही मतलब पीक पे पहुंच रहा है धीरे धीरे यहाँ पे। तभी भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक ब्रॉन स्ट्रोमन ही इस मैच में डोमिनेट करके रखी है।
इनके पीछे राइवलरी के हिसाब से भी, उसमें भी ब्रॉन स्ट्रोमन ही डोमिनेट करते हैं ज़्यादातर, और इसमें भी आज भी उसी तरह दिख रहा है। ब्रॉन स्ट्रोमन दिखा रहे कि ही इज़ द मॉन्स्टर, और इस पूरे मैच में वो डोमिनेट कर रहे हैं एज अ मॉन्स्टर। रोमर इसको बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, और एक क्या कोई बड़े मूव देते हुए लग रहा है, एक वापस से एक फ्रंट बॉडी ड्रॉप देते हुए वापस से ब्रॉन स्ट्रोमन रोमन इसको 1-2 और एक किक आउट। ब्रॉन स्ट्रोमन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, रेफरी के ऊपर वो चढ़ रहे कि जल्दी जल्दी कवर करो, बट रोमर इज लास्ट मोमेंट पे रिकवर करते हुए, उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन इसे फ्रस्ट्रेट हुए ये देखा कितना क्लीन एंड क्लियर शॉट देते हुए, ये इंपैक्ट देखना कितना खतरनाक था इस मूव का, बट रोमर इसे इसको सरवाइव किया। इस मूव को ज़्यादातर कोई रेसलर इतना जल्दी इतना ज़्यादा टिकता नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। ये मैच ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा चल चुका है और दोनों रेसलर अपनी एनर्जी पूरा डालते हुए, ये ब्रॉन स्ट्रोमन बॉडी रनिंग पावर स्लैम देते हुए, लेकिन ये क्या डिसबैलेंस हुआ, रोमर इज निकले और ये अपना काउंटर करते हुए ये समवन ड्रॉप देते हुए रोमन रेंस यहाँ से कमबैक आ सकते हैं 1-2 और एक किक आउट। ब्रॉन स्ट्रोमन ने सिर्फ 1 पे किक आउट किया, 2 भी नहीं होने दिया, उनकी एनर्जी लेवल देखिए खतरनाक एकदम पूरा मैच। रोमर ही सोचे कमबैक कर सकते हैं, जैसे रनिंग स्लैम के लिए गए वो काउंटर करके अपना समवन ड्रॉप दिया रोमर ने, ये मैच एकदम पूरा पीक पे पहुंच चुका है, दोनों रेसलर डाउन है, दोनों रेसलर की हालत ख़राब है, ये देखते हैं मैच कैसा होता है, मतलब कौन जीतता है इस मैच को। ऑलरेडी 10-12 मिनट्स इस मैच को हो चुके हैं और दोनों अपना 100% दिए हैं इसमें। अभी रोमर इस मैच को कंट्रोल लेते हुए सुपर पंच के लिए जा रहे हैं, और ये सुपर ब्रॉन स्ट्रोमन ने काउंटर किया और एक और चौक स्लैम देते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन ने इस मैच का दूसरा चौक स्लैम दिया 1-2 और एक किक आउट रोमर रेंस की तरफ से, वापस से किक आउट हुआ रोमर रेंस की तरफ से। ब्रॉन स्ट्रोमन का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ते हुए, और जितना फ्रस्ट्रेशन ब्रॉन स्ट्रोमन का बढ़ रहा है उतना गुस्सा, ये जैसे सुपर रेंस को काउंटर किया और एक उसको चौक स्लैम में बदल दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। ओह माय गॉड, इस मैच को जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ऐसे ऐसे इस मैच में मोमेंट्स आ रहे, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो गए स्टील स्टेप्स उठा चुके हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। अब यहाँ पे अगर रोमर इसको स्टील स्टेप पड़ा तो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, ये मैच पूरा ब्रॉन स्ट्रोमन के हाथ में लगता है, और एक क्या स्टील स्टेप देते हुए रोमर को ब्रॉन स्ट्रोमन, यहाँ से रोमर इसकी हालत ख़राब होते हुए। ओह माय गॉड, इट्स रोमर इज ब्लीडिंग, रोमर इज ब्लीडिंग। इस मैच में पूरा खतरनाक मोमेंट्स आ चुके हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन ने पूरा ही डोमिनेट कर दिया इस मैच में। ये रोमर रेंस यहाँ से तो कमबैक नहीं कर सकते, देखिए कैसा मोमेंट था, ये स्टील स्टेप से पहले वो अटैक किए और फिर देखिए कितना इंपैक्ट था चेस्ट पे, एकदम पूरा इंपैक्ट निकाल, जितना हो सके उतना फोर्स लगा ब्रॉन स्ट्रोमन ने, और रोमर रेंस इज ब्लीडिंग राइट नाउ। और यहाँ पे पावर स्लैम कर, ए रनिंग पावर स्लैम, पहले चेस को टारगेट किया 1-2 और एक किक आउट। ओ ब्रॉन रोमर इज यहाँ से कैसे किक आउट कर सकते समझ में नहीं आ रहा है, पहले ब्रॉन स्ट्रोमन ने चेस्ट के ऊपर टारगेट किया और फिर उन्हें रनिंग पावर स्लैम दिया। ब्रॉन स्ट्रोमन का यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होना बनता है, कोई इतना कैसे कर सकता है, ये देखिए चेस्ट पे पहले अटैक करने के बाद रनिंग पावर स्लैम दिया, तभी भी रोमर इज ने यहाँ पे किक आउट किया। ब्रॉन स्ट्रोमन का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकलते हुए इस मैच में, वो भी नहीं समझ पा रहे कि क्या करे और क्या ना करे, ये रोमर इज अभी ब्लीड कर रहे हैं पर ब्रॉन स्ट्रोमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन नेक्स्ट मूव के लिए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा वो भी बहुत ही खतरनाक होगा, जो भी होगा रोमर रेंस के लिए खतरनाक ही होगा। और एक क्या ब्रॉन स्ट्रोमन के हाथों में हैमर, ओ माय गॉड, ये हैमर अगर गया तो फिर रोमर रेंस के लिए तो ये नामुमकिन हो जाएगा इस मैच में कमबैक करना। ओ ये क्या हैमर पड़ते हुए, हैमर से रोमर रेंस के ऊपर अटैक किया ब्रॉन स्ट्रोमन ने, और रोमर रेंस का सर से खून आ रहा है, रोमर रेंस ब्लीड कर रहे हैं पूरा ब्लीडिंग, क्या कर अभी इस मैच में पूरा कोई चांस ही नहीं बनता रोमर रेंस का कमबैक करने का। ये देखिए इंपैक्ट देखिए, हैमर एकदम पूरा हेड टू हेड कनेक्ट हुआ रोमर रेंस के साथ में, और उनकी हालत इसमें बहुत ही ख़राब होते हुए इस मैच में। और यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन फिर से जा रहे हैं रनिंग पावर स्लैम के लिए,
यहाँ से रोमन रीन्स का मैच पूरा खत्म। आज न्यू चैंपियन इस, ये क्या रोमन रीन्स काउंटर करने की कोशिश की, ये सुपरमैन बनचा एक, बट एक और सुपरमैन कर, दोनों लगातार सुपरमैन पंच दिए। ये क्या स्पीयर, एक स्पीयर इस मैच में स्पीयर आया लास्ट मोमेंट, ये ब्रॉन स्ट्रोमन को एकदम संभलने का मौका नहीं दे रहे, और रोमन रीन्स के पास इतनी ताकत आ कहाँ रही है वो भी नहीं। एक क्या दूसरा स्पीयर इस मैच का, फिर भी रोमन रीन्स कवर नहीं कर रहे, लेकिन और ब्रॉन स्ट्रोमन दो दो स्पीयर के बाद खड़े हो चुके हैं, और एक फिर तीसरा स्पीयर के लिए गए, ब्रॉन स्ट्रोमन काउंटर किए, फिर रोमन रीन्स वापस से उनका काउंटर आ रहा है, और एक क्या स्पीयर, ये मैच लगता है यहाँ खत्म। 1, 2 एंड 3, ओ माय गॉड, रोमन रीन्स ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया इस मैच में। ही इज ब्लीडिंग राइट नाउ टिल नाउ, बट हाउ, मतलब इस मैच में कितनी एनर्जी है, कहाँ से लेके आ रहे समझ में नहीं आ रहा है। ये मैच पूरा ही ब्रॉन स्ट्रोमन ने डोमिनेट किया, बट रोमन रीन्स हार नहीं माने, और लास्ट मोमेंट में उन्होंने पूरा मैच का पूरा मैच बदल के रख दिया। देखिए रिप्ले में देखिए, ब्रॉन स्ट्रोमन ने अगर रनिंग पावर स्लैम दे दिया होता यहाँ से, लगा कि मैच खत्म है, पर रोमन रीन्स के अंदर पता नहीं कहाँ से जान आ गए, और वो सुपररन पे सुपररन दो सुपररन पंच दिए, और उसके बाद कंटिन्यूसली तीन स्पीयर आया ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, दो स्पीयर के बाद ही ब्रॉन स्ट्रोमन खड़े थे, लेकिन तीसरा स्पीयर देने गए, ब्रॉन स्ट्रोमन काउंटर करने की कोशिश किए, बट रोमन रीन्स का एक आया स्पीयर, और उसको रोमन रीन्स, इस ब्रॉन स्ट्रोमन के पास कोई जवाब नहीं था। ये मैच यहाँ पे एंड हो गया। ओ माय गॉड, ये मैच बहुत ही खतरनाक मोमेंट्स पे थे, इसमें ब्रूटलिटी बहुत थी, बट रोमन रीन्स ने प्रूव कर दिया कि व्हाई ही इज़ द हेड ऑफ द टेबल, वाह ही इज़ अ ट्राइबल चीफ, ही रिटेन हिज चैम्पियनशिप एंड कंटिन्यूस हिज रेन, अपने लेगेसी को मेंटेन करते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन ने आज यहाँ पर पूरा अपना दम दिखा दिया। बट वर्ल्ड डोंट नो दैट हाउ रोमन रीन्स हिज कॉन्करर ब्रॉन स्ट्रोमन, इनकी हिस्ट्री में हमेशा मतलब बाजी ब्रॉन स्ट्रोमन मारते थे, लेकिन रोमन रीन्स ने आज जीत लिया। तो ऐसे मैचेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर मोमेंट्स अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में